तो फ्रेंड्स आज मैं 36 कॉर्डोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट काटना है, इसलिए देखिए मैंने ये जो फैब्रिक है इसको टू फोल्ड किया। यहाँ से जॉइंट साइड है, उस तरफ से ओपन साइड है, यहाँ से ओपन साइड है। तो लंबाई आपको हमेशा अपने हिसाब से लेना है, आपके हाइट के हिसाब से लेना है। यहाँ पर देखिए मुझे 13 चाहिए सिलाई के बाद, लेकिन सिलाई के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। साइज़ कुछ भी हो आपको इस तरह से ये मेजरमेंट लेना है। यहाँ से बराबर मैं 14 पर निशाना लगा लूँगी। अभी शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेना है, ये मैं 5.5 इंच रखूँगी क्योंकि ये थोड़ा डीप लगे, इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया। तो यहाँ से मैं आर्म होल लेना है, ये मैं 5.75 रखूँगी, देखिए 1.5, यहाँ तक मैं निशाना दिया। अभी शोल्डर के हिसाब से इसको बराबर मिलाना है। तो इस तरीके से आप 38 साइज़ भी कर सकते हो, सेम मेजरमेंट पर आप 38 भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए 5.5 इंच, अभी दोनों निशाना को बराबर मिलाना है। अभी छाती के लिए मेजरमेंट लेना है, 36 का चौथा हिस्सा लेना है 9 इंच। इसके बाद देखिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। आप अपने हिसाब से अंदर की तरफ जितना जाओ ले सकते हो, आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो या आप चाहो तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। उसके बाद देखिए आर्म होल के लिए मेजरमेंट लेना है, यहाँ पर मैं 1.2 पे रखूँगी। इसके बराबर इस तरह से मिलाना है, नीचे की तरफ हल्का सा डाउन करके देना है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, लगभग हर वीडियो बोलती हूँ, इस तरह से आपको डाउन करके देना है। अभी नेक का चौड़ाई लेना है, ये मैं 2 इंच रखूँगी क्योंकि देखिए बैक साइड पे डोरी नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 इंच लिया। अगर आपको बैक साइड पर डोरी करना है उस टाइम पर आप 2.5 इंच लीजिएगा। तो नेक की डीप लेना है, ये मैं 8.5 इंच रखूँगी। उसके बाद देखिए बराबर मैं 2 इंच पर निशाना लगाऊँगी। अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से 3 इंच भी ले सकते हो, जितना चौड़ा चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पे निशाना दे सकते हो। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो मिलाने के बाद हमें ये शेप देना है, नॉर्मल कोई भी शेप आप अपने पसंद के हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे मैं राउंड शेप रखूँगी। हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए इसलिए मैंने इस तरह से दिया। तो अभी देखिए जितना मैंने छाती लिया उससे मिनिमम 1 इंच कम रखूंगी कमर के लिए। तो देखिए यहाँ पे 11 था, यहाँ पे मैं 10 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी। इस तरह से लेने से कमर का परफेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। अभी दोनों निशाना को बराबर मिलाना है, अभी इसको काट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूँगी, अगर आपको 38 की ब्लाउज करना है उस टाइम पे आप सेम शोल्डर सेम आर्म होल से आप 38 ब्लाउज कर सकते हो, आपकी ब्लाउज परफेक्ट होगा। आपका सिर्फ चेस्ट ज़्यादा लेना है, यहाँ पे हल्का सा डाउन करके देना है नीचे की तरफ, नहीं तो आपका शोल्डर गिरने का संभावना हो सकता है, इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा डाउन करके देती हूँ। अभी देखिए ये बैक साइड से हमें स्लीव्स के लिए मेजरमेंट लेना है, स्लीव्स का चौड़ाई कितना लेना है यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। मैं लगभग हर पीठ भी बोलती हूँ किस तरह से ये लेना है। यहाँ से हमें इंची टेप को बराबर मिला के लेना है, देखिए बिल्कुल आर्म होल तक, यहाँ तक ये देखना है कितना है। तो जितना हमें मिलता है देखिए यहाँ पे लगभग 8.5 इंच मिला है, तो जितना मिलता है आपको मैंने उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। इस तरह से लेने से आपका आर्म होल का परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है बाजू के लिए। अभी देखिए बाजू के लिए मैंने ये फेब्रिक लिया, फेब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया। यहाँ से हमें मुहरी लेना है और यहाँ से चौड़ाई लेना है और इस साइड से हमें लंबाई लेना है। तो चौड़ाई देखिए कितना था, यहाँ से हमें पहले लंबाई लेना, लंबाई के लिए हमें देखिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ देना है मोहरी पे सिलाई के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं टोटल लंबाई रखूँगी, टोटल लंबाई हमें 6 इंच चाहिए, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद सिलाई के लिए हमें और भी 1/2 इंच चाहिए, टोटल देखिए कितना हुआ है 7 इंच लंबाई हुआ है। तो बराबर पहले यहाँ पर 7 लेती हूँ, लेने के बाद इसको सीधा कर लेती हूँ। तो दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से चौड़ाई लेना है, ये मैं 9.5 इंच रखूँगी, इसको भी सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। अभी देखिए यहाँ से हमें कितना डाउन करना है, यहाँ से मैं देखिए 4 इंच डाउन कर लूँगी, 4 इंच। अभी इसको भी मिलाना है बराबर, इस तरह से इसको लेके जाना है सीधा करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें और एक निशाना देना है 2.5 इंच पर, यहाँ पर 2.5 इंच पर रखूँगी, कोई भी साइज़ हो आपको 2.5 इंच पर देना है। देने के बाद ही हमें इस पर शेप देना है। अभी देखिए हमें मोहरी के लिए अभी नहीं देना है, जब मैं फिटिंग्स का लगाऊंगी उस टाइम पे हमें जितना चाहिए उसी हिसाब से मैं फिटिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे हल्का सा अभी यहाँ पे शेप देना है, इस तरह से मैं हल्का सा शेप लगा लूँगी।
तो अब इसको काट कर लेना है। अभी हमें प्रॉन आर्महोल के लिए शेप देना है। यहाँ पे देखिए मैं लगभग हाफ इस यहाँ पे प्रॉन आर्महोल के लिए शेप लगा लूँगी, क्योंकि ये डीप नेक है तो डीप नेक पे हमें प्रॉन के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से शेप लगा लिया। अभी देखिए फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेना, जिस तरीके से मैंने ये बैक पार्ट काट किया था उसी हिसाब से पहले निशाना देना है। फेब्रिक को मैंने टू फोल्ड किया था, बराबर हमें इस तरह से मिला के लेना है। तो निशाना लगा लूँगी बराबर मिला के। अब ये बैक साइड हटा लेना है। अभी देखिए फ्रॉन आर्म होल के लिए हमें हल्का सा शेप देना है। ये पहले जो था ये है बैक पार्ट का आर्म होल, तो इसके थोड़ा सा अंदर की तरफ से हमें फ्रॉन के लिए हल्का सा शेप देना है। नहीं देने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी मैं देखिए हल्का सा शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा ज़्यादा हो गया मैं यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा कर लेना है इस तरह से। इतना हमें नहीं चाहिए, लगभग 100 या 200 आपको यहाँ पे शेप देना है फ्रॉन के लिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक ये बैक पार्ट था, उसी हिसाब से पहले यहाँ पे निशाना लगाना है। तो ये निशाना नहीं देने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे निशाना लगा लेती हूँ। तो बराबर मिला लिया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से और भी थोड़ा ज़्यादा लेना है, यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। ये मैं 1.5 इंच रखूँगी, क्योंकि डायरेक्ट फेब्रिक में काट होता है इसलिए हमें ज़्यादा लेना है। तो इसमें और एक बात मैं समझा दूँ, अगर आपको परफेक्ट तरीके से सिलाई आता है उस टाइम पे आप 1.5 इंच लीजिएगा, अगर आप परफेक्ट तरीके से सिलाई नहीं आता है आपको उस टाइम पे आप 2 इंच लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर सही तरीके से सिलाई नहीं हुआ, कहीं से अगर सिलाई ज़्यादा हो गया, उस टाइम पे आपका फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के हिसाब से छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान से लेना है, आपको अपने हिसाब से लेना है। अभी देखिए इसको बराबर मिलाना है। मिलाने के बाद हमें फ्रंट नेक डीप लेना है। यहाँ पे देखिए मैं 6 इंच पे रखूँगी, आप कोई भी साइज़ हो यहाँ पे आप 6 इंच पे लगा लीजिएगा इस तरह से। अभी दोनों पॉइंट को बराबर मिलाना है यहाँ पे। सभी निशाना का बराबर मिलाना है। अभी देखिए नेक का चौड़ाई लेना है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं 2.5 पे रखूँगी। अगर आपको फ्रंट पे ज़्यादा चौड़ा चाहिए उस टाइम पे आप 3 इंच पे लीजिएगा, अगर आपको बहुत कम चाहिए उस टाइम पे आप 2.5 इंच पे लीजिएगा इस तरह से। तो मैंने 2.5 पे लिया। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको चौड़ाई में शेप देना है। तो शेप कहाँ तक देना है ये देखिए, अगर आपको नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं चाहिए, डीप नहीं चाहिए, चौड़ाई पे चाहिए। ये जो फ्रंट का नेक है ये कभी कभी क्या होता है भी की तरह होता है। अगर आप चाहते हो ये भी की तरह नहीं चाहते हो, आप राउंड में चाहते हो सामने की तरफ, उस टाइम पे आप 1 इंच पे पॉइंट दीजिएगा इस तरह से। देने के बाद ही हमें यहाँ से शेप देना है, गुलाई पर शेप देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हो और भी अंदर की तरफ से, फ्रंट की तरफ से और भी चौड़ाई चाहिए, तो इस तरह से आप दे सकते हो ज़्यादा करके। ये बिल्कुल आप अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से और एक निशाना लेना है, यहाँ से और एक पॉइंट लेना है। कॉटरी के लिए हमें पॉइंट देना है, ये मैं 5.25 पर रखूँगी, यहाँ से 5.25। अगर आपकी हाइट बहुत कम है उस टाइम पर आप 5.5 इंच पर लीजिएगा। अब यहाँ से सीधा करके पहले एक निशाना देना है। निशाना देने के बाद ही हमें कटोरी के लिए मेजरमेंट लेना है। देखिए कटोरी की मेजरमेंट कैसे लेना है, तो जितना आपका अपर चेस्ट होता है उसको आपको देखिए, ये जो ब्लाउज है ये है 36, तो 36 को हमें 10 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ से 36 इसको मैं 10 से डिवाइड कर लूँगी। 10 से डिवाइड करने से यह 3.6 आता है, 3.6। तो जितना हमें मिलता है सेम उतना ही इसके साथ प्लस कर लेना है। देखिए 3.6 में ब्लास्ट कर लूँगी। आपका जितना मेजरमेंट आता है उसी हिसाब से आप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी कितना हुआ, 7.2 इंच हुआ है टोटल। तो जितना हमें मिलता है उसके साथ हमें और भी सिलाई के लिए ऐड करना है। तो सिलाई के लिए ऐड कैसे करना है देखिए, अगर आपकी फुल बस्ट नॉर्मल है उस टाइम पे आपको 0.5 इंच ऐड करना है। अगर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है उस टाइम पे आपको 1 इंच प्लस करना है। अगर बहुत हेवी होता है उस टाइम पे आपको 1.5 इंच ऐड करना है। इस तरह से आपको
कटोरी के लिए मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 0.5 इंच ऐड किया, तो अभी टोटल देखिए कितना हुआ है, 7.7 इंच हुआ है। अभी मैं चाहूँ तो इस पर 7.7 भी ले सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसमें 7.5 भी ले सकती हूँ। तो इस तरह से मेजरमेंट लेने के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ से भी आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, आपकी ब्लाउज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैं 7.5 इस पर रखूँगी, थोड़ा मैं कम रखूँगी, 2 सूत मैं कम रखूँगी। तो 7.5 इससे पहले निशाना लगाना है। यहाँ पे निशाना देने के बाद जितना हमें मिला है उसको आधा कर लेना है, बिल्कुल मिडल में से हमें और एक निशाना देना है। अभी देखिए कटोरी शेप के लिए ऊपर की तरफ कितना उठाना है। यहाँ पे देखिए मैं 1.3 पे निशाना लगाऊंगी, 1.3। इस तरफ भी हमें, सामने की तरफ भी हमें देना है 1.3। अभी तीनों निशाना को बराबर मिलाना है। अभी देखिए ये जो पॉइंट है इसके साथ मिलाना है, सीधा करके मैं इस तरह से मिला लूँगी। तभी यहाँ पे चेक करके देखना है कितना है। देखिए 3 से थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बराबर अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से ये जो पॉइंट है इसके साथ इसको मिलाना है। उसके पहले यहाँ से हल्का सा हमें ज़्यादा कर लेना है, लगभग मैं हार बॉडी पर बोलती हूँ। यहाँ से हल्का सा पूरा मेजरमेंट लेने के बाद लगभग हाफ इसके तरफ बाहर की तरफ हमें लेके जाना है इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा इस तरह से गोलाई पे देना, नहीं तब का फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा। इस तरह से बराबर इसका मिला देना है। अभी यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है, कटोरी का जो सेकंड पार्ट है इसके लिए हमें मेजरमेंट लेने में 4 इंच पे निशाना दिया, क्योंकि कटोरी थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 4 इंच पे दिया। अभी इसको सीधा करके इसके साथ मिलाना है, यहाँ पे मिला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको 38 साइज़ की ब्लाउज करना है उस टाइम पे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 36 दिया, आपको सिर्फ 38 करना है। एड करने के बाद इस तरीके से आपको पूरा मेजरमेंट लेना है, जिस तरीके से मैंने किया आपके ब्लाउज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम ही परफेक्ट होगा। अभी देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, साइज़ कुछ भी हो आपको यहाँ से हाफ इंच डाउन करना है। तो अभी इस तरफ देखिए जितना ऊपर की तरफ देना है सेम आपको नीचे की तरफ भी देना है। यहाँ पर देखिए 1.3 पे मैंने निशाना दिया, अभी तीनों पॉइंट को मिलाना है। अभी यहाँ से देखिए मैं 1/4 इंच ऊपर की तरफ, 1/4 इंच ऊपर की तरफ उठाऊंगी। और यहाँ से देखिए अभी कितना नीचे की तरफ लेके जाना है, इसके लिए देखिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको इंची टेप को इस तरह से यहाँ से आपको मेजरमेंट लेके देखना है कितना है। यहाँ पे देखिए चेक करके देखना है, यहाँ तक देखिए 6 इंच मिला है। तो ये जो 6 इंच मिला है इसको यहाँ पर बराबर मिलाना है। मिलाने के बाद देखना है कितना है। यहाँ पर देखिए टोटल 9.5 इंच हुआ है, लगभग 9.5 इंच। तो अभी हमें 9.5 इंच पे निशाना देना है। तो इंची टेप को मैं दोबारा से और एक बार यहाँ पे निशाना लगाऊंगी, इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो 9.5 इंच यहाँ तक है। उसके बाद देखिए कटोरी का जब दोनों पार्ट जॉइंट होगा, ये पार्ट और नीचे का पार्ट जब जॉइंट होगा उस टाइम पे 1 इंच माइनस होता है। तो इसलिए हमें और भी 1 इंच ऊपर की तरफ देना है। यहाँ से ऊपर की तरफ उठाऊंगी मैं 1 इंच। अभी ये जो निशाना है इसको देखिए किस तरह से देना है आपको, इस तरह से सीधा करके नहीं देना है। देखिए ये है सीधा, तो आपको मिनिमम साइड से देखिए मिनिमम 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठा के देना है। यहाँ से तिरछा करके ये देना है, तब आपका ब्लाउज परफेक्ट होता है। यहाँ पे तो ये भी मिल गया। अभी हमें नीचे का जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए हमें मेजरमेंट लेना है। तो बेल्ट के लिए देखिए हमेशा आपको इस तरह से बैक पार्ट यूज़ करना है, बैक पार्ट का जितना चौड़ाई है उसी हिसाब से हमें लेना है। अब इसको हटा लेना है, तो पहले इसको यहाँ पे सीधा कर लेना है। यहाँ पे सीधा करने के बाद आपको शेप देना है। तो अगर आप चाहते हो बैक और फ्रंट दोनों अगर एक साथ आप कमर पट्टी लगाना चाहते हैं उस टाइम पे आपको यहाँ पे 3 इंच या 3.5 इंच देने से हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बैक साइड पर मैं कमर पट्टी लगाऊँगी लेकिन फ्रंट पर मैं नहीं रखूँगी, इसलिए मैं फ्रंट साइड पर 5 इंच रखूँगी। यहाँ पर ज़्यादा करके रखूँगी, डायरेक्ट मैं फेब्रिक को फोल्ड कर लूँगी यहाँ से। तभी इसको भी सीधा कर लेना है बराबर। तभी देखिए यहाँ से भी हल्का सा तिरछा करके देना है। देखिए बैक साइड फिर भी हमें जब यहाँ पे टैक्स होगा उस टाइम पे और भी यहाँ से काटना होगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के मैं ये शेप लगाऊंगी और नीचे की तरफ मिडिल में से नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन करके देना है इस तरह से। तो ये ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट कम्प्लीट हो गया, अभी हमें ये काट कर लेना है।
अभी देखिए जिस तरीके से मैंने निशाना दिया उसी हिसाब से हमें काट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा लिया था तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, बराबर ऊपर नीचे दोनों को बराबर कर लेना है, तब इसको काट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो आप कटिंग कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलाई दिखाऊंगी। अगर आपको मेरे आज की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।